2022 की शुरुआत से ही फ़िक्स्ड इनकम प्रोडक्ट से जुड़े लैंडस्केप में एक ड्रामेटिक चेंज आ चुका है 2020 से ही एक लो इंटरेस्ट अकोमोडेटिव स्टैंड के साथ परसिस्ट करने के बाद आर अब एक इन्फ्लेशन टैकलिंग मोड में है और उसने रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाने जैसे टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है इन टेक्निक्स का पहले ही यील्ड कर्व पर खासकर शॉर्ट टर्म में एक विजिबल इंपैक्ट पड़ चुका है और लगभग सभी को अपकमिंग एमपीसी मीटिंग्स में रेपो रेट में और अधिक बढ़ोतरी की उम्मीद है हमने पहले के वीडियोस में देखा है कि किस तरह फिक्स रेट बॉन्ड की कीमतें बढ़ते इंटरेस्ट रेट के कारण अफेक्ट होती हैं जो डेट इन्वेस्टर्स को परेशान करती हैं और अगर वो परेशान नहीं भी होते तो बहुत अधिक कंफ्यूज जरूर हो जाते हैं लेकिन जो ट्रेंड असल में विजिबल है वो है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स द्वारा फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स का बढ़ता एलोकेशन जो एक साल पहले की कंपैरिजन में लगभग पांच गुना ज्यादा है इसलिए इस वीडियो में हम ज्यादा गहराई से फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स के वर्किंग्स इसके बेनिफिट्स रिस्क लिक्विडिटी टैक्सेशन और बेशक ये कि किस तरह आप इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जैसे एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे तो आइए शुरू करते हैं फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कॉरपोरेशंस और गवर्नमेंट द्वारा पब्लिक से मनी बोरो करने के लिए इशू किए जाते हैं अब रेगुलर बॉन्ड के ऑपोजिट जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे करते हैं फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स के पास एक वेरिएबल इंटरेस्ट रेट होता है जो एक प्री डिटर्म बेंचमार्क रेट से लिंक्ड होता है और रेगुलर इंटरवल पर रीसेट किया जाता है बेंचमार्क रेपो रेट रिवर्स रेपो एवरेज टीबल रेट या कोई स्मॉल सेविंग स्कीम इंटरेस्ट रेट से लेकर कुछ भी हो सकता है इसी तरह इंटरनेशनल मार्केट में पॉसिबल बेंचमार्क में यूएस ट्रेजरी नोट रेट फेड फंड्स रेट लाइबॉर वगैरह शामिल है तो एसेंशियली अगर प्रिवेलिंग बेंचमार्क रेट्स हाई है तो ये बॉन्ड्स हायर कूपन पे करते हैं और वाइसवर्सा मैंने ये भी मेंशन किया कि ये रेट पेरियोडिक बेसिस पर रीसेट होते हैं जिसका मतलब ये हुआ कि किसी फ्लोटिंग रेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते समय आपके फ्यूचर इनकम स्ट्रीम पर कोई गारंटी नहीं होती लेकिन ये कहने के बाद लगभग हर कोई इससे राजी है कि इन बॉन्ड्स को खरीदने का सबसे अच्छा समय तब होता है जब इंटरेस्ट रेट कम होता है और उनके बढ़ने की संभावना होती है जो कि पॉसिबल अभी है और इसलिए फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है अब किसी भी अन्य फाइनेंशियल प्रोडक्ट की तरह इन फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स के अपने बेनिफिट्स और लिमिटेशंस हैं एडवांटेजेस के लिहाज से सबसे पहले फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स बहुत कम वॉलेटाइल होते हैं क्योंकि कूपन प्रिवेलिंग कंडीशन के साथ एडजस्ट हो जाते हैं वो आमतौर पर दूसरे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स की कंपैरिजन में ज्यादा यील्ड ऑफर करते हैं तीसरी बात सरकार द्वारा ऑफर किए गए बॉन्ड सुपर सेफ होते हैं क्योंकि उनमें कोई क्रेडिट रिस्क नहीं होता और आखिर में फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टर को डिफरेंट एसेट क्लासेस में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में मदद मिलती है इसलिए इन सबको एक साथ मिलाकर देखें तो किसी फ्लोटिंग रेट बॉन्ड को कम वॉलेटाइल सुपर सेफ और इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड इंस्ट्रूमेंट के रूप में देखा जा सकता है जिसे इस प्रकार से इन्वेस्ट किया जा सकता है कि बॉन्ड का टेन्योर इन्वेस्टर के फाइनेंशियल गोल्स के साथ मेल खा सके अब लिमिटेशन के स्टैंड पॉइंट से पहला इसमें कोई भी फिक्स रिटर्न नहीं होता और इसलिए आपके कैश फ्लो अनप्रेडिक्टेबल होंगे दूसरा जो कूपन पीरियोडिक इंटरवल पर रिसीव होते हैं वो आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होंगे इसके अलावा कूपन को कहीं री इन्वेस्ट किए जाने की जरूरत होती है इसलिए उसमें कुछ री इन्वेस्टमेंट रिस्क भी होता है रिजर्व बैंक के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड ट्रेड या ट्रांसफर किए जाने लायक नहीं होते और आखिर में कॉरपोरेट इश्यूड बॉन्ड्स में कुछ रिस्क हो सकते हैं जिन्हें मिटिगेट किया जा सकता है और अगर इन्वेस्टर ट्रिपल ए रेटेड पेपर्स के साथ स्टिक रहते हैं कई प्रकार के होते हैं शॉर्ट टर्म फ्लोटर्स और लॉन्ग टर्म फ्लोटर्स इन्हें सरकार corporates या financial institutions द्वारा किया जाता है। इन्हें वगैरह कहा जाता है लेकिन किसी फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स का ओवरऑल कंस्ट्रक्ट लगभग बराबर ही होता है इसलिए आइए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझें रिजर्व बैंक ने दो में फ्लोटिंग रेट बॉन्ड जारी किया जो आरबीआई 7.15 परसेंट बॉन्ड के नाम से पॉपुलर हुआ बॉन्ड के कंस्ट्रक्ट के अनुसार रिजर्व बैंक ने प्रत्येक छह महीने पर इंटरेस्ट पे किया इंटरेस्ट रेट को रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्येक छह महीने पर रिसेट किया जाना था इन बॉन्ड्स का टेन्योर सात साल था और इन फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स के लिए बेंचमार्क 35 बेसिस पॉइंट या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के तहत ऑफर की गई इंटरेस्ट रेट की कंपैरिजन में 0.35 परसेंट ज्यादा था करंट एन एस सी इंटरेस्ट रेट 6.8 आठ परसेंट है यह दो हजार उन्नीस में सात पॉइंट नौ परसेंट हुआ करता था लेकिन यह नंबर नीचे आ गया है क्योंकि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट में कमी कर दी है इसलिए छह पॉइंट आठ परसेंट प्लस जीरो पॉइंट पैंतीस परसेंट हमें सात पॉइंट पंद्रह परसेंट का एक एनुअलाइज इंटरेस्ट रेट देता है यह सात पॉइंट पंद्रह परसेंट रेट 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2022 के पीरियड के लिए एप्लीकेबल था अब इन फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स या एफ के अलावा भारत सरकार ने कुछ और भी एफ जारी किए हैं एग्जाम्पल के लिए आर ने एफ 2024 जारी किया जो अपने बेंचमार्क के रूप में भारत सरकार एक ट्रेजरी बिल्स की अंतिम तीन नीलामियों के एवरेज इम्प्लिसिट यूज करता है नतीजतन 7 मई 2022 से 6 नवंबर 2022 तक के 6 महीने के पीरियड के लिए लागू इंटरेस्ट रेट 4.41 परसेंट होगा अभी बिल्कुल हाल ही में सरकार ने एफ 2028 के 4000 करोड़ भी जारी किए जो 4 अप्रैल 2022 से 3 अक्टूबर 2022 के आधे वर्ष के लिए चार सालाना का इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है अब मैंने पहले यह भी मेंशन किया था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कॉरपोरेट्स भी फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स जारी कर सकते हैं इस मेथड का इंडियन कंपनीज द्वारा एक्सटेंसिवली यूज नहीं किया जाता लेकिन हम धीरे धीरे पर निश्चित रूप से उन्हें अपनी फंडिंग जरूरतों को पूरी करने के लिए फ्लोटिंग रेट ऑप्शन की तरफ झुकते देख सकते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में कहें तो 2019 में फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स का कुल इश्युएंस 7,800 करोड़ का था जो कुल cool इश्युएंस का लगभग एक परसेंट आता है बहरहाल 2020 में ये परसेंटेज उछलकर 5 परसेंट से ज़्यादा हो गया जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स के लिए इंस्टीट्यूशंस और इन्वेस्टर्स के बीच अधिक उत्साह शो करता है हमारी राय यह है कि सरकार और इंस्टीट्यूशन्स दोनों ही द्वारा फ्लोटिंग रेट पेपर्स का पब्लिक मनी को पुल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाएगा इसलिए इन्वेस्टर्स को अवेलेबल इश्यूज और जो यील्ड वो ऑफर करते हैं उनकी तलाश में रहना चाहिए जैसा कि हमने पहले कहा था फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेशंस और सरकारों द्वारा इशू किए जा सकते हैं आइए सरकार द्वारा जारी किए गए एफ के साथ शुरू करें अब पहली बार गवर्नमेंट इशूड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आप या तो उन्हें इन दो प्लेटफॉर्म्स यानी आर रिटेल डायरेक्ट अकाउंट या एन एस सी गो बिड प्लेटफॉर्म के वाया सब्सक्राइब कर सकते हैं असल में हमारे पास आर बी आई रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट को किस तरह ओपन किया जाए उस पर एक वीडियो है इसलिए अगर आप बहुत श्योर नहीं है कि किस तरह इसको शुरू किया जाए तो इस पर हमारे वीडियो को जरूर देखें लेकिन चीजों को सिंपल बनाए रखने के लिए आर बी आई या एन एस ई गो बिट प्लेटफॉर्म को एक्सेस करना बहुत ही आसान है आप जरूरी के वाई सी डॉक्यूमेंट के साथ प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन रजिस्टर करने के जरिए शुरू कर सकते हैं वेरिफिकेशन के बाद आप सब्सक्रिप्शन के लिए मल्टीपल बॉन्ड सेलेक्ट कर सकते हैं लिंक्ड बैंक अकाउंट से ऑनलाइन पे कर सकते हैं और बॉन्ड आपके डीमैट अकाउंट में या आर डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर रिसीव कर सकते हैं इस प्रकार आप इन बॉन्ड्स में एस या दूसरे अदर नेशनलाइज बैंक जैसे एच बैंक आई आई बैंक वगैरह के डेजिग्नेटेड ब्रांचेस से या ऑनलाइन ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं याद रखें ये बॉन्ड केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही जारी किए जाते हैं और सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल नहीं है और उनका यूज बैंक्स एनबीएफसी वगैरह से लोन के लिए कोलेट्रल के लिए भी नहीं किया जा सकता अब जहां तक फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स जिन्हें कंपनीज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा इशू किया जाता है तो इसके बारे में जानने का एक सरल तरीका अपने ब्रोकर के जरिए है ऑफलाइन ब्रोकर्स के अलावा कई ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इन बॉन्ड्स को ऑफर करते हैं और यह प्रोसेस उतना ही सिंपल है जितना किसी स्टॉक को बाय करना असल में इस तरीके से आप न केवल प्राइमरी मार्केट में एफ खरीद सकते हैं यानी जब वो पहली बार इशू किए जाते हैं बल्कि आप उन्हें स्टॉक एक्सचेंज के जरिए सेकेंडरी मार्केट के जरिए उनमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं बेशक जब आप उन्हें उस तरह खरीदते हैं तो ये ज़रूर इंश्योर करें कि आपने उन यील्ड्स पर काम किया है जिस पर आप इन बॉन्ड्स को रिसीव कर रहे हैं और केवल कूपन या ऑफर किए गए इंटरेस्ट रेट पर ही फोकस मत करें एग्जाम्पल के लिए इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के समय 8.24 पॉइंट चौबीस परसेंट जी ओ बॉन्ड जो पांच साल में मेच्योर होगा वो 7.21 परसेंट का एक एनुअलाइज यील्ड ऑफर देता है जबकि छ पॉइंट चौवन परसेंट जी ओ बॉन्ड जो एक दशक के बाद मेच्योर होगा वो 7.35 पॉइंट पैंतीस परसेंट का यहा है तो दोनों ही मामलों में कूपन रेट और यील्ड अलग अलग छोरों पर है और मौजूदा वॉलिडिलिटी को देखते हुए सेकेंडरी मार्केट से बॉन्ड की खरीद करते समय जब आप अपना होमवर्क अच्छी तरह कर लेते हैं तब 0.5, 0.6 जीरो एक्स्ट्रा रिटर्न रिसीव करना पॉसिबल है असल में आपके होमवर्क में एक दूसरा टास्क बॉन्ड की क्रेडिट रेटिंग की जांच करने का होगा और एक सुझाव के रूप में हमेशा ही सबसे ज्यादा रेटेड बॉन्ड्स पाने का प्रयास करें जिससे आपके कैपिटल का रिटर्न ज्यादा हो यील्ड और क्रेडिट रेटिंग्स पर यह इंफॉर्मेशन ज्यादातर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है इसलिए अगर आपके पास एक ऑनलाइन अकाउंट है तो जरूर इन्हें एक्सप्लोर करें ठीक है तो प्राइमरी या सेकेंडरी मार्केट से इन बॉन्ड्स की सीधे खरीद करने से आगे म्यूचुअल फंड कंपनीज फ्लोटर फंड्स नामक फंड की एक कैटेगरी ऑफर करती हैं जैसा कि आपने गैस कर लिया होगा ये फंड एक सेल्फ एडजस्टिंग फीचर के साथ आते हैं जो खुद को बदलती इंटरेस्ट रेट के साथ अलाइन कर लेती है और इन बॉन्ड्स को किसी के लिए भी एक वायबल ऑप्शन बना देती है जो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की उम्मीद कर रहा है या रिजर्व बैंक के इंटरेस्ट रेट की दिशा क्या होगी इसके बारे में अनसर्टन है असल में फ्लोटर फंड्स कुछ प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आते हैं जिनके अपने बेनिफिट्स होते हैं जैसे पहली बात यह है कि ये फंड कई डेट सिक्योरिटीज को कंस्टिट्यूट करते हैं जो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखता है ये ओपन एंडेड स्कीम्स होती हैं इसलिए आप ऑन द गो उन्हें खरीद और बेच सकते हैं ये आमतौर पर शॉर्ट टर्म डेट फंड्स की कंपैरिजन में बेहतर रिटर्न ऑफर करते हैं ये कुछ मामलों में मीडियम या लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन फंड्स और यहां तक कि शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स की तरह वॉलेटाइल नहीं होते और टैक्सेशन के नजरिए से जहां शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर इन्वेस्टर के इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगाया जाता है इन पर एल इंडेक्सेशन बेनिफिट्स के साथ 20 परसेंट पर टैक्स लगाया जाता है अगर आप डिफरेंट फ्लोटर डेट म्यूचुअल फंड्स पर और अधिक जानकारी चाहते हैं तो ई मनी ऐप को जरूर एक्सेस करें या ई e को विजिट करें जहां आप बहुत ज्यादा डिटेल की खोज कर सकते हैं और हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए इन फंड्स में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत में आते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के यील्स में स्पाइक के कारण फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स पर बहुत ज्यादा इंक्वायरीज हो रही हैं क्योंकि ये इन्वेस्टर्स को एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में प्रिवेलिंग हाई रेट्स का लाभ उठाने में कैपेबल बनाता है जिन पर कोई क्रेडिट रिस्क नहीं होता ये फैक्ट कि ये बॉन्ड सेमी एनुअल इंटरेस्ट पे आउट के साथ आते हैं और चूंकि ये कूपन पेमेंट टैक्सेबल होते हैं एफ आर बी ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए एक फैंटास्टिक ऑप्शन हो सकते हैं जो लोअर टैक्स ब्रैकेट में है इस वीडियो में हमने तीन अलग अलग बॉन्ड्स ऑप्शंस की खोज की जो कि रिजर्व बैंक कंपनीज और म्यूचुअल फंड फ्लोटर कैटेगरी द्वारा इशू किया जाता है इन सभी को इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में एक वायबल डेट इंस्ट्रूमेंट ऑप्शंस के रूप में देखने की जरूरत है मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो ने इस प्रोसेस को इग्नाइट करने में आपकी मदद की होगी और अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो कृपया उन्हें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें समय निकालने के लिए आपको धन्यवाद इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें उस सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर टैप करें और मैं आपसे अगले सप्ताह एक और इंसाइटफुल वीडियो के साथ आपसे मिलने की उम्मीद करता हूँ Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.